नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सनातन धर्म का संसार यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में जेठ अमावस्या को बेहद ही खास माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया करता है तो उसे साक्षात भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जेठ अमावस्या एक ऐसा दिन होता है जिस किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। ऐसे में अगर आप काली मिर्च का वह उपाय कर लेते हैं जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो यकीन मानिए उसका फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस दिन बरगद वृक्ष की पूजा करने का भी विधान होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ब्रह्मांड की महाशक्तिशाली शक्तियां बरगद के वृक्ष पर वास करने के लिए आती है। अगर आप सही तरीके से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन थोड़ी सी भी पूजा पाठ और क्रिया कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से तमाम प्रकार के कष्ट, परेशानी, समस्या सब खत्म हो जाएगी। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और जिस किसी व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन से संबंधित समस्या नहीं होती। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, हर एक व्यक्ति की यही चाह होती है कि उसके पास हमेशा धन दौलत का भंडार भरा रहे, लेकिन केवल चाह रखने से कुछ नहीं होता। उसके लिए माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। अगर आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। और ज्येष्ठ अमावस्या का दिन एक दिन होता है जिस दिन अगर आप काली मिर्च का उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न हो जाती है और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ अमावस्या को बहुत ही शुभ और पवित्र बताया गया है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं। वास्तु शास्त्र हिसाब से इस बार जेठ अमावस्या पर कई तरह के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, यानी इस बार जो जेठ अमावस्या का समय आया है वह पूरे 19 साल बाद आया है। ऐसे में अगर आप इस अमावस्या पर कोई भी पूजा साधना क्रिया सही तरीके से कर लेते हैं तो वह कभी खाली जा ही नहीं सकती। बस आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपाय को करना है। तो आइए मित्रों, अब जान लेते हैं आपको अमावस्या के दिन कौन कौन से उपाय करना है। सबसे पहला उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। जैसे अगर आप कड़ी परिश्रम करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता, आप कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, ज्येष्ठ अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन होता है दिन अगर आप एक लोटा चावल और उसमें 5 काली मिर्च मिलाकर किसी भी गरीब इंसान को दान करते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर जो भी दोष होंगे वह सब खत्म हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में तेज गति से उन्नति करेंगे। दूसरा उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपके से नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन 11 काली मिर्च, 5 लौंग और 1 कपूर लेना है और इन तीनों चीजों को मिट्टी के बर्तन में रखना है। मिट्टी के बर्तन में रखने के बाद उसे जलाना है और उसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अगर आप इस उपाय को अमावस्या के दिन करते हैं तो आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां होगी वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा वास करने लगेगी, जिसके बाद आपके घर की बरकत होना भी शुरू हो जाएगी। तीसरा उपाय है
राहु केतु को अच्छे करने का महाउपाय। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु अच्छे है तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। तो राहु केतु को अच्छे करने के लिए शास्त्रों में बहुत ही सरल सा उपाय बताया गया है, जो केवल अमावस्या के दिन ही की जाती है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको जेठ अमावस्या के दिन शाम के समय अपने पूजा घर में बैठना है और एक पीला कपड़ा लेना है। पीले कपड़े में आपको 11 काली मिर्च और 2 लौंग रखकर उसे मोली धागे से बांध लेना है और अपने घर के छत पर किसी भी जगह रख देना है, क्योंकि राहु केतु जो होते हैं वह घर के छत पर ही वास करते हैं। और अगर आप इस उपाय को जेठ के दिन कर लेते हैं तो आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा ही फायदा होगा। चौथा उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही धन से संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको संध्या के समय अपने पूजा घर में बैठना है, एक घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है। कपड़े में आपको 21 काली मिर्च, 3 लौंग और 3 कपूर रखकर उसे मौली धागे से बांध देना है। फिर माता लक्ष्मी जी के 20 मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना है। मंत्र का जाप करने के बाद उस लाल पोटली को माता लक्ष्मी जी के चरणों से छुआकर अपने तिजोरी में रख देना है। से आप पैसों का लेन देन करते हैं, यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन से धन संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज गति से होने लगेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं उन उपायों को आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को लेते हैं तो आप स्वयं अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखेंगे। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपका तकदीर बदल जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।